एनटीवी टाइम, जनता की बात, जनता के साथ। मुकुंदपुर वार्ड में एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय शर्मा के कार्यकाल का उद्घाटन किया गया। एंट्री गेट से कुछ दूरी चलते पर ही किया गया है। कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय विधायक संजीव झा के द्वारा रिबन काटकर किया गया। यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। मुकुंदपुर से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, सभी ने भाग लिया। मौके पर स्थानीय विधायक ने भाजपा प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया। प्रत्याशी गुलाब सिंह राठौर को भूमाफिया बताया और नगर निगम की कई एकड़ जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि यहां की जनता सब जानती है किसने ग्राम सभाओं की जमीन पर कब्जा किया है। संजीव झा ने कहा, इस तरह के भूमाफियाओं को यहां जनता वोट नहीं देगी। यहां की जनता अजय शर्मा को वोट देगी, जो उनके बीच का बेटा है, जो काफी ईमानदार है, लोगों के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। अजय शर्मा ने अस्पतालों में इलाज के लिए क्षेत्र के काफी लोगों की मदद की है, हेल्थ चेकअप कैंप खुद लगवाए हैं, साथ ही तीर्थ यात्रा पर भी लोगों को लेकर गए हैं और दिल्ली सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफी काम अजय शर्मा ने करवाए हैं, जिसका सीधा फायदा चुनावी रण में मिलेगा। 15 साल की जो लूट खसोट का आलम रहा है, भ्रष्टाचार का केंद्र बन के रह गया है, लोग बहुत गुस्से में हैं। लोग इस बार बदला लेने के लिए वोट कर रहे हैं। जिस तरह से आप दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में आपने ये देखा कि पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी और ऐतिहासिक मार्जिन के साथ हम लोग जीते, कमोबेश उसी तरह से एमसीडी में इस बार दिख रहा है। मुझे लगता है कि 250 में कम 230 सीट आम आदमी पार्टी को आने वाली है। अगर बात करूं वार्ड नंबर 8 का हमारे यहाँ 5 वार्ड है, हालांकि 5 वार्ड में जबरदस्त हुए, लेकिन वार्ड नंबर 8 में 10 साल जो पहले लूटा वो प्रत्याशी है, 5 साल जो रहा, जो आलम रहा, वो सबके सामने रहा। मुझे ये लगता है कि लोग जानते हैं कि किस तरह से भाजपा के प्रत्याशी ने मुकुंदपुर के ग्राम सभा के जमीन तक को नहीं बख्शा। तो लोग ऐसा नहीं है कि कोई अनजान चेहरा है, उनके लूट खसोट, उनका अत्याचार लोगों को पता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वार्ड नंबर 8 एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ जीतने वाले हैं। अजय भाई हमारे जहांगीरपुरी से और मुकुंदपुर कुछ एरिया था, पहले भी बात कर रहे हैं, लोग अजय भाई के कार्य प्रणाली से भी बेहतर जानते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से लोग सुख दुख में खड़े रहते हैं। हमेशा कोई भी जरूरत हो, एक फोन आ जाए तो अस्पताल में किसका इलाज कराना हो हाजिर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग उसी को चुनेगा जो सुख दुख के साथ खड़ा हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली की जनता, मुकुंदपुर की जनता, मुकुंदपुर की पूरी सफाई के लिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है उसको खत्म करने के लिए, लेंडर पे कोई वसूली न हो उसके लिए इस बार वोट करने वाली है। आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 8 ही नहीं बल्कि पूरे बुराड़ी और पूरे दिल्ली में बड़ी मेजोरिटी के साथ एमसीडी में सरकार बनाने वाली है। 5 में से बुराड़ी विधानसभा के 5 जीतने वाले हैं, ना केवल जीतने वाले हैं बल्कि बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं। क्योंकि हर तरह, जैसा मैंने पहले बताया आपको, कि लोग बहुत गुस्से में, लोग 15 साल के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। तुलना सामने है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और एमसीडी में भाजपा की सरकार। दिल्ली सरकार ने जो काम किए उसकी चर्चा देश विदेश में हो रहा है और एमसीडी के कोई एक काम बताने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब दिल्ली की जनता ने ठाना है।